Hello, this is Naveed and welcome back to my YouTube channel. Recently, I have uploaded a video regarding living costs in Sweden. Today, I have decided to make another video regarding prices of grocery items. Hope it will help you. Let's go inside and explore the prices. व्यूअर्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर ग्रॉसरी स्टोर की एंट्री साइड पे आपको इसी तरह से प्लांट्स और फ्रेश फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, एक फ्रेशनेस का एहसास होता है। आप देख सकते हैं कलरफुल फ्लावर्स हैं। आप उनके रेट्स भी मैंने कोशिश की है कि आपको दिखा सकूं। आप देखिएगा कि क्या क्या रेट्स हैं यहाँ पर, इतने महंगे नहीं हैं। व्यूअर, ये शॉपिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं। अगर आप यहाँ के मेंबर हैं, आप अपना कार्ड यहाँ पे स्वाइप करेंगे, ये डिवाइस एक्टिव हो जाएगी। आप यहाँ से लेके खुद से स्कैन कर सकते हैं और आपको किसी कतार में लगने की ज़रूरत नहीं, किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, और खुद से पे करके आप एग्ज़िट ले सकते हैं मार्केट से। तो आगे चलते हैं। इसी सुपर मार्केट में जो है वो एक मेडिसिन की शॉप है, फार्मेसी कह लें, एपोथिक यहाँ पे बोला जाता है। और ये कुछ कॉस्मेटिक्स। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, फिर हम ग्रॉसरी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मेंशन है कि ये किस पर्पस के लिए है। जी, तो ये शूज़ यहाँ पे बहुत कॉमन है। चूँकि स्नो बहुत ज़्यादा होती है तो बच्चे बड़े इसी तरह के शूज़ पहन के वो अपने स्कूल्स में भी जा रहे होते हैं, बाहर भी निकल रहे होते हैं। तो ये वाटरप्रूफ हैं, गर्म भी होते हैं। जी, तो अभी मैं बेकरी सेक्शन की तरफ आ गया हूँ। डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स हैं अवेलेबल यहाँ पे। बेकरी आइटम्स की कंजप्शन काफी ज्यादा है। ये कुकीज, केक्स, डिफरेंट टाइप की चीज लगी हुई है। ये बनाना यहाँ पे लगे हुए हैं 31 करोड़। इसी तरह से दो क्यूकम्बर जो हैं वो 25 करोड़ के। टमाटर जो हैं वो 55 करोड़ पर केजी है। ये सलाद का सेक्शन है।
डिफरेंट टाइप के जो सलाद लीव्स हैं वो 2 ले सकते हैं आप, 22 क्रॉन। सैलेड को यहाँ पे सलाद कहा जाता है। ये देखें जी, अनार जो है वो 13 क्रोनर का है, इसी तरह पपाया 50 क्रोनर पर 1 पीस है, ग्रेप्स 25 क्रोनर के, ये रेड ग्रेप्स जो हैं 45 क्रोनर के, और ये माल्टे लगे हुए हैं जी 50 क्रोनर के एक पैकेट। ये जो डिफरेंट टाइप की बेरीज हैं, ये ब्लूबेरी है, ये देखें 25 क्रोनर का पैकेट है, इसी तरह से रस बेरी जो है वो 65 क्रोनर का है, क्योंकि यहाँ पे बेरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, इनकी प्राइसेस भी जो हैं वो काफ़ी हैं। ये फ्रूट हैं डिफरेंट टाइप के। एप्पल जो है वो 39 क्रोनर पर केजी हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, ये 35 है, ग्रीन एप्पल जो है 34 केजी पर 34 क्रोनर के। ये जो मेलन जो पाकिस्तान में बड़े सस्ते मिल रहे होते हैं, यहाँ पे 43 क्रोनर और 60 क्रोनर, और आम यहाँ पे ये मिलता है जो किसी काम का नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है इसका, और ये 20 क्रोनर का एक पीस है। बस ये लेसन है जो एक पाव जो है वो 27 क्रोनर का है, कैरेट्स ही 15 क्रोनर, अदरक आप देख सकते हैं क्या प्राइस है, यहाँ पे शलजम बहुत महंगे हैं 65 क्रोनर, और जी आलू 15 रुपए के 1 किलो हैं, इतने महंगे नहीं हैं ये और इतने सस्ते भी नहीं हैं। ऑनियन जो है 14 क्रोनर का है पर केजी, और जो रेड ऑनियन है वो 18 क्रोनर का पर केजी है। ये डिफरेंट टाइप के योगर्ट जूसेस, ये सारा सेक्शन ये है, और वहाँ पे मिल्क, बटर जो डेली रूटीन की चीज़ है वो 55 क्रोनर का है, ये 500 ग्राम है। ये अंडे हैं जी 45 के हैं, 15 पीसेस मीन 3 क्रोनर का एक अंडा। मिल्क का रेट यहाँ पे 20 क्रोनर पर 1.5 लीटर है। ये कुछ बच्चों के पसंद की चीज़ें हैं जी, ये 90 क्रोनर पर केजी आपको मिलेंगी, डिफरेंट टाइप की आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। ये जी डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स हैं, आप रेट्स साथ साथ देखते जाएं, मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रेट्स भी विजिबल हों। रीसेंट इन्फ्लेशन ने जहाँ पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, वहाँ स्वीडन भी पीछे नहीं है। प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, आप देख सकते हैं।
ये जो बिस्किट्स हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के, अगर आप दालें लेना चाहते हैं तो यहाँ पे दालें अवेलेबल हैं। दालों के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पाकिस्तानी शॉप से या इंडियन शॉप से जा कर ले सकते हैं, रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगी। फ्लेक्स, प्राइसेस होपफुली आपको विजिबल हैं। ये चीनी जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होती है 18 क्रोनर की, ये शहद की डिफरेंट प्राइसेस हैं जी। जी तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ये आपके लिए, आपकी आसानी के लिए, कि 99 क्रोनर का एक बंडल है जिसमें डिफरेंट साइजेस के हिसाब से डिफरेंट पीसेस हैं। ये बड़ा पैक है, ये डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे महंगे हैं। फिर मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने ये स्पाइसेस वगैरह लेने हैं तो इंडियन और पाकिस्तानी शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे वो रीज़नेबल प्राइस में आपको जो है ना मिलता। अभी मैं पास्ता, राइस, ओलिया, केचप, मीन ऑयल इस सेगमेंट में आया हूँ। ये कुछ केचप की प्राइसेस हैं उनके साइज के हिसाब से, ये 980 ग्राम 42 क्रोन का है, मीन 43 क्रोन। अब मैं ऑयल को देखूं तो ऑयल जी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हुई हैं। ये अब राइस हैं, राइस भी मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का अच्छा नहीं है। आप राइस कोशिश करें कि पाकिस्तानी या इंडियन शॉप से लें, वहाँ पे आपको अच्छे राइस मिल जाएंगे। पास्ता पे कंपेन लगी हुई है, वो 10 क्रोनर का एक पैकेट है, नॉर्मली ये 14-15 क्रोनर का है। ये कॉफ़ी और टी सेक्शन है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कॉफ़ी, यहाँ पे कॉफ़ी बहुत यूज़ होती है। स्वीडन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉफ़ी कंज्यूमिंग कंट्री है। आपको डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड्स नज़र आएंगे। हम अपनी तरफ चलते हैं जी, हमने चाय पीनी होती है तो चाय जो है वो लिप्टन यहाँ पे अवेलेबल है, और ये देख सकते हैं 36 क्रोनर का एक पैकेट है जिसमें 100 टी बैग्स हैं। ये जैम और मामलेट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये डिफरेंट टाइप के स्नैक्स हैं, चिप्स, ये जूसेस हैं।
ये जी गोश्त का सेक्शन है, मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा। हम लोग गोश्त जो है वो नॉर्मली अरेबिक शॉप से खरीदते हैं, यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। जैसे आपको दिखा देता हूँ, ये काफ़ी बड़ा सेक्शन है। ये फिर बच्चों के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती हैं क्योंकि इनकी कंजप्शन कम होती है यहाँ पे। डॉक्टर्स हमेशा ये कहते हैं कि बच्चों को सिर्फ वीकेंड पे ये चीज़ें खिलाएं, ना कि डेली। ये जी रोटी है, 10 क्रोनर की है। फिश 109 क्रोनर की है, 500 ग्राम। और ये 105 क्रोनर की है, 400 ग्राम। जैसा कि मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि रेडीमेड चीज़ें मिल जाती हैं, आपने जस्ट ओवन में गर्म करना है और देन इट विल बी रेडी। तो ये इसकी डिफरेंट प्राइसेस हैं। लेट्स से ये 2 पिज़्ज़ास जो हैं वो 55 क्रोनर के हैं, आप चूज़ कर सकते हैं जो आपने लेना हो। वेजिस मिल जाते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन या बीफ कुछ इस तरह लें, वेजिस मिल जाते हैं, अच्छे हैं। व्यूअर्स ये चिकन की प्राइस है वो आप सामने देख रहे हैं, 53 क्रोनर की है। ये पिछले दिनों 56 क्रोनर की हुई हुई थी, अब रिड्यूस हो गई है। ये 2 kg का पैकेट है, ये आप ले सकते हैं। इसी तरह से ये 1 kg का पैकेट है, ये 30 क्रोनर का है। ये डिफरेंट टाइप के ऑलिव्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के नूडल्स हैं, प्राइसेस आप देख लें। जैसा कि मैंने बात की थी कि रेडी फूड है तो ये ऑलरेडी रेडी होता है, जैसा आपने गरम करना है और खाना है। ये जी आइसक्रीम है, अगर आप आइसक्रीम लवर हैं तो ये प्राइसेस यहाँ पे मेंशन है। ये डिफरेंट बेरीज, फ्रोजन बेरीज हैं और इनकी प्राइसेस भी आप देख सकते हैं। और ये फ्रोजन वेजिटेबल्स हैं, ये प्राइसेस आप देखें। 600 ग्राम जो पालक है वो 17 क्रोने की है। इसी तरह से 550 ग्राम जो गोभी है वो 25 क्रोनर की है। ये ब्रोकली आधा किलो 15 क्रोनर की है। मटर हैं जी 600 ग्राम 25 क्रोने के। मैं नॉर्मली ये वाले मटर लेके जाता हूँ। ये जी 600 ग्राम है 23 क्रोने से। जी तो व्यूअर ये रिटर्न स्टेशन है, बस जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये रिटर्न स्टेशन है और यहाँ पे मेंशन है कि ग्लास आप नहीं डिस्पोज करेंगे, आप कैन कर सकते हैं, छोटी बोतल बड़ी बोतल। और छोटी बॉटल के अगेंस्ट आपको 1 क्रोन मिल रहा है और बड़ी बॉटल के अगेंस्ट आपको 2 क्रोनर मिल रहे हैं। जी तो व्यूवर्स आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आज की इस ग्रॉसरी स्टोर के विज़िट से आपको अपना बजट प्लान करने में ज़रूर हेल्प मिलेगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।